राष्ट्रपति चुनाव में वैसे तो एनडीए उम्मीदवार की जीत तय थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने चक्रव्यूह रचकर विपक्ष के विधायकों और सांसदों को तोड़ा और जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और द्रौपदी मुर्मू को उम्मीद से कहीं बड़ी जीत दिलाई, उससे पूरा विपक्ष सकते में है। लेकिन भाजपा ने अब कुछ वैसी ही रणनीति या कहें तो उससे भी बेहतर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी बनाई है। भाजपा उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ किसानों, जाटों और खाप पंचायतों को साधेगी और इसके साथ कथित किसान नेता बने घूम रहे लोगों की राजनीति का भट्ठा भी बैठाएगी। इसी कड़ी में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने खाप नेताओं से मुलाकात की है। इन खाप नेताओं में यूपी, हरियाणा और राजस्थान के नेता शामिल हैं। इस मुलाकात को जगदीप धनखड़ को जाट लीडर प्रोजेक्ट करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। खाप नेताओं की उनसे मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भाजपा उनकी उम्मीदवारी को जाट लीडर को मौका देने के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीते करीब 2 सालों से मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान तो वो और भी मुखर हो गए थे और मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। उनकी नाराजगी को एक वर्ग जाटों के स्वर के तौर पर भी देख रहा था। ऐसे में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर भाजपा उसकी भरपाई करती दिख रही है। साथ ही जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी के साथ ही किसानों को भी संदेश दिया जा रहा है और यह कथित किसान नेता टिकैत बंधुओं की राजनीति को भी चुनौती है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ जाट बिरादरी से आने के साथ ही उसमें पकड़ भी रखते हैं। यही नहीं, किसान आंदोलन के बाद भाजपा से जाटों की नाराजगी की चर्चाएं थी। ऐसे में किसान पुत्र की छवि रखने वाले जगदीप धनखड़ उसकी भी काट करते दिखते हैं। खास बात यह है कि वो उस राजस्थान से आते हैं जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस राज्य में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। राजपूतों को भाजपा का समर्थक माना जाता रहा है और यदि जाटों का रुख भी भाजपा की ओर होता है तो वो अच्छी स्थिति में आ जाएगी। यही नहीं, हरियाणा में भी जाटों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ जाटों की आबादी 25-28% तक मानी जाती है। साफ है कि एक जगदीप धनखड़ भाजपा के लिए हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक में असरकारी हो सकते हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका परिचय किसान पुत्र कहकर कराया था। उन्होंने ट्वीट किया था, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। वो बड़ा कानूनी संवैधानिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और उपेक्षितों के लिए काम किया है। खुशी है कि वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा ने जब द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था तो कहा जा रहा था कि भाजपा की ओर से वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी मुस्लिम अथवा सिख लीडर को मौका दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया, जो बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। पर कुछ वक्त बाद ही राजनीतिक विश्लेषकों को यह समझ आ गया था कि जगदीप धनखड़ चौंकाने वाला नहीं बल्कि भाजपा की ओर से सोचा समझा नाम है। बहरहाल भाजपा जगदीप धनखड़ के सहारे विपक्ष को एक बार फिर से नेस्तनाबूद करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।